चलिए दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में आपको ले आए हैं। आज आपको बताने वाले हैं इसमें गाड़ी में जो है, अगर चाबी लगाने के बाद, सेल्फ मारने के बाद गाड़ी अगर चालू ना हो तो क्या दिक्कत हो सकता है। इसमें दिक्कत हो सकता है लोड गियर न्यूट्रल करने के बाद भी अगर गाड़ी चालू ना हो तो दिक्कत हो सकता है आपको। ये न्यूट्रल स्विच जो दिया रहता है सेफ्टी के लिए, ये आपका खराब हो गया हो, आप फिर ये काम नहीं कर रहा हो। इसके लिए करना क्या है, इसको खोल लेना है। ये जो सॉकेट लगा हुआ है इसको खोल लेना है, आराम से इसको दबा के खोलिएगा, ये खुल जाएगा। खोलने के बाद एक तार ले लेना है इस तरह का, दोनों साइड छील लेना है छोटा सा तार लेके, और इसको जो है, ये जो ऊपर से वायर आया है, जो ऊपर से तार आया है, ये जो नीचे से निकला है इसको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर से आया हुआ है इसमें ये दोनों को आपस में इस तरह डाल देना है, बढ़िया से जोड़ देना है ताकि ये फिर गिरे ना, है ना। इसको बढ़िया से लगा देना है, ये आपको दिखाने के लिए भी लगा रहे हैं, इसको बढ़िया से लगा देना है। और जो है सो उसके बाद आप गाड़ी चालू कीजिएगा तो गाड़ी आपका चालू होने लगेगा, फिर आपको गाड़ी चालू करना है कोई समस्या नहीं। बस दिक्कत ये होगा कि आपका जो लोड गियर में न्यूट्रल करने के बाद चालू होता था, वो लोड गियर में भी अब चालू होने लगेगा। ऐसा करने के बाद जो है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई बच्चा लोग गाड़ी चालू ना कर ले, इसलिए चाबी को खोल लीजिएगा। और अच्छा वीडियो देखने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो और इस तरह का जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।